नमस्कार, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। आंसू जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। आंसू का रचना काल लगभग 1923-24 ईस्वी का है। आंसू एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवनानुभूति का प्रकाशन हुआ है। आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है उतना अन्यतर नहीं दिखाई देता। अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है। आंसू काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। स्वानुभूति का समाजीकरण इस काव्य के अंत में सफलतापूर्वक व्यंजित है। मुख्यतः वियोग की भूमिका पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आंसू काव्य के अंत में आशा विश्वास का समावेश है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया, उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छदम में छल में। इन पंक्तियों में कवि की वेदनानुभूति का वर्णन है और वेदना से व्यथित अपने मन से कवि स्वयं ही प्रश्न करता है। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, कवि अपने मन को ही संबोधित करते हुए उसको नाविक के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, तुम मेरे इस जीवन रूपी नाव को किन तरंगों से किन लहरों से होकर इस शून्य तट पर ले आए हो, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। कवि अपने मन से ही प्रश्न करता हुआ कहता है कि क्या आज तक कोई भी व्यथित और पीड़ित व्यक्ति यहाँ इस सुनसान शून्य तट पर आया है, उस पार कहाँ फिर जाऊँ तम के मलिन अंचल में। कवि इसमें मलिन शब्द का अर्थ है अंधकारमय या काला। कवि कहता है कि इस संसार का जो अंचल है वो अंधकार से अत्यंत मलिन हो रहा है, इस प्रकार मैं उस पार फिर कैसे जाऊं, कहां जाऊं, यह जो सारा संसार है वो अंधकार से मलिन हो गया है, अर्थात सारा संसार ही निराशामय प्रतीत हो रहा है, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छदम में छल में। वेदना का अर्थ है पीड़ा, छदम में छल दूसरों को धोखा देना, दूसरों को धोखा देने वाला। कवि कहते हैं कि इस संसार में छल कपट दिखलाई पड़ता है, सभी जो हैं वो छल कपट में लगे हुए हैं, ऐसे अंधकार या निराशामय संसार में अब जीवन के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रह गया है, अर्थात यह जो सारा संसार है वो छलमय प्रतीत होता है, इस कारण इस निराशापूर्ण संसार में जीवन जीने की इच्छा नहीं रही है। कवि आगे कहते हैं कि मैं तो ऐसा शांतिपूर्ण स्थान चाहता हूँ
जहाँ पर छल कपट न हो, और कटु अनुभवों को जहाँ मैं अपने भोगे गई पीड़ाओं को एकदम से भूल जाऊँ। इस तरह की मैं एकांतता की अभिलाषा या इच्छा रखता हूँ, जहाँ पर जाकर मेरे मन को शांति मिले और मैं अपनी समस्त दुख और वेदना को भूल जाऊँ। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह ने शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है, अवकाश शून्य फैला है, है शक्ति ने और सहारा, ऐ पदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। इन पंक्तियों में कवि की जो वेदना है वो प्रकाष्ठा तक पहुंच चुकी है, और अपने इस वेदना के कारण और अपने प्रिय के मिलने से ही होने वाली आनंद की अनुभूति का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन शब्द का अर्थ है लौटना। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह ने शेष रहा है। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के प्रेम के अतीन्द्रिय लोक में इतने आगे निकल आया हूँ कि पुनः अगर मैं संसार में लौटना भी चाहूँ तो मुझे कोई मार्ग नहीं मिलेगा। डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। नद शब्द से आशय है बड़ी नदी। कवि कहते हैं कि जिस हृदय रूपी रेगिस्तान की भूमि पर मेरे पद चिन्ह अंकित थे, अब वहाँ वे चिन्ह मिट गए हैं और वहाँ पर वेदना रूपी विशाल नदी उमड़ रही है, और वापिस लौटने का मार्ग अर्थात जो चिन्ह मुझे वापिस लौटने का मार्ग बताएं, वो चिन्ह उस वेदना रूपी विशाल नदी में लुप्त हो गए हैं, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं अब संसार में लौटना भी चाहूँ तो भी नहीं लौट सकता। अवकाश शून्य फैला है शक्ति ने और सहारा। कवि कहता है कि मैं आंसुओं की इस विशाल नदी को पार कर एक बार अगर पुनः संसार की ओर जाने की इच्छा भी करता हूँ तो मुझे कोई भी सहारा या आश्रय दिखाई नहीं देता, और स्वयं मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस आंसुओं की इस वेदना की विशाल नदी को पार कर पाऊँ। ऐ पदार्थ तिरूंगा मैं क्या, हो भी कुछ कूल किनारा। मेरे सिर के ऊपर आकाश की शून्यता फैली हुई है, और कहीं दूर तक मुझे कोई भी किनारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सभी मेरे जो प्रियजन थे, जो मेरा प्रिय था, वो भी मुझे छोड़कर दूर जा चुके हैं। इस प्रकार इस वेदना के अथाह सागर में मुझे कहीं कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तिरती थी तिमिर उद्दी में नाविक यह मेरी तरनी, मुख चंद्र किरण से खिंचकर आती समीप हो धरनी, सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बीते हुए जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए अपनी वेदना को और भी बढ़ा हुआ पाया है, उसी का चित्रण इनमें किया है। तिरती थी तिमिर उद्दी में नाविक यह मेरी तरनी। उद्दी शब्द का अर्थ है समुद्र, तिमिर शब्द का अर्थ है
अंधकार, तरनी शब्द का अर्थ है नाभ। कवि कहता है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, आज अंधकार रूपी सागर में, अर्थात निराशा से पूर्ण समुद्र में मेरी भावनाओं की नाव तैर रही है। मुख चंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरनी, धरनी शब्द का अर्थ है धरती। कवि कहता है कि जब प्रिय मेरे समीप थे तो यह जीवन रूपी नाव नीलम जल के सागर में तैरती थी, तब मैं किनारे पर खड़ा होकर उनके मुख रूपी चंद्रमा की किरणों को देख लेता था। सूखे सिकता सागर में यह नैया मेरे मन की, परंतु अब यह स्थिति नहीं है। अब तो जो नाव को वह शुष्क रेत वाले सागर की ओर ले जा रहा है, अर्थात जब प्रिय मेरे समीप था तब यह जो नाव है वो नीलम जल पर तैरती थी और मैं अपने प्रिय के मुख रूपी चंद्रमा की किरणों को देख लेता था और ऐसा लगता था मानो धरती ही इस नौका के समीप खींची चली आ रही हो, परंतु अब प्रिय के समीप न होने के कारण यह जो नाव है वो शुष्क रेत वाले सागर की ओर ले जा रही है, शुष्क सागर में तैर रही है। मेरे मन की जो नाव है वो शुष्क सागर में तैर रही है। आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की, अश्रु धारा बहाकर मेरा मन जो है वो व्यथित है, पीड़ित है, इसलिए अब जो मेरा मार्ग है उसमें केवल आंसुओं का ही प्रवाह है। इस अश्रु धारा में ही जो मेरा प्रेम है वो असहाय बनकर उस ओर खींचा चला जा रहा है, अर्थात जीवन में जो मेरे जो मधुर क्षण थे वो अब नहीं रहे हैं। अब तो केवल वेदना का ही सागर सब और लहरा रहा है और मेरा मन भी अश्रु धारा के सागर की ओर खींचा चला जा रहा है। यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गर्ल उगलता, मत डाला किस तृष्णा से तल में बड़वानल जलता, निश्वास मल्य में मिलकर छायापत छू आएगा, अंतिम किरणें बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी वेदना का ही चित्रण किया है और उस वेदना में आनंद की अनुभूति बताई है। यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गर्ल उगलता। पारावार शब्द का अर्थ है समुद्र, फेनिल शब्द का अर्थ है झाग और गर्ल शब्द का अर्थ है विष। कवि कहता है कि वेदना रूपी सागर जब उताल तरंगों से व्याप्त हो और इसमें झाग रूपी व्यथा का जहर निरंतर फैल रहा हो, तब यह हृदय मत डाला किस तृष्णा से तल में बड़वानल, तब यह हृदय को उसी प्रकार मत देता है जैसे समुद्र के तल में वड़वागिनी उसे मत डालती है। अर्थात जो वेदना रूपी सागर है उसमें झाग रूपी व्यथा फैल रही है और यह झाग रूपी व्यथा जो है वो जहर के समान है और हृदय को यह उसी तरह पीड़ित करती है जैसे समुद्र के तल में बड़वागिनी समुद्र को नुकसान पहुंचाती है, उसको नष्ट कर देती है। उसी प्रकार जो
वेदना है और उस वेदना से फैला हुआ जो जहर है वो मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है। निश्वास मलय में मिलकर छायापत छू आएगा। कवि कहता है कि विरह वेदना में तृष्णा के कारण हृदय अत्यधिक व्यथित रहता है, उसमें विरागनि भड़कती रहती है और ऐसी स्थिति होने पर जो मेरी गर्म श्वासें हैं वो शीतल मल्य पवन से मिलकर आकाश तक फैल जाती हैं। अंतिम किरणें बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा। ऐसा हो जाने से आकाश में चंद्रमा भी अपनी अंतिम किरणें बिखेर कर अस्त हो जाएगा, अर्थात मेरी वेदना से जो उत्तप्त निश्वासें हैं जो मल्य पवन से मिलकर आकाश में फैल जाती हैं उनका प्रसार इतना बढ़ जाएगा कि चंद्रमा की शीतल किरणें भी सिमट जाएंगी और वो भी छिप जाएगा। हिमकर शब्द का अर्थ है चंद्रमा। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। कवि कहता है कि विरह वेदना के ताप से मैं धूल कणों में चमकने लगूंगा। सौरभ शब्द का अर्थ है मकरंद से, और मकरंद बनकर उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ से टकराऊंगा, और यदि मैं अपने प्रियतम को कहीं पर पा लेता हूँ तो मैं कठिन से कठिन अवरोधों से भी टकरा जाऊंगा। कवि के कहने का भाव यह है कि अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह अगर मुझे प्रिय से मिलने की आशा भी मिले तो मैं सभी कष्टों को सभी पीड़ाओं को सहन कर लूँगा।